Assalamu alaikum guys, this is Amjad Ali and today we are going to start a new lecture about HTML and this is about कि आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं UL या अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट. क्लियर है? और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था MarkuTeX. ठीक है, तो मैं यहाँ से आके HTML की फाइल सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट कर देते हैं यहाँ से. ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है आपके पास दो टैग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं UL और एक दूसरा कहलाता है OL. क्लियर? और इन दोनों टैग्स के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं एक दूसरा टैग जिसे कहते हैं LI. तो UL का मकसद है अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मकसद है ऑर्डर्ड लिस्ट, LI का मकसद है लिस्ट आइटम. क्लियर? तो आपके पास UL को आप कहते हो अनऑर्डर लिस्ट, और OL को कहते हो ऑर्डर लिस्ट, और LI को हम कहते हैं लिस्ट आइटम. क्लियर? तो इसका मैं थोड़ा एक आइडिया दे दूं आपको. अगर आप लोगों ने ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें देखी होंगी आप लोगों ने बहुत बार, कि आप अगर ठीक है आपके पास कुछ टेक्स्ट होता है और उसी टेक्स्ट को अगर आप यहाँ से आके बुलेट्स अप्लाई करते हो, याद है? तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हो किसी भी टाइप की, सपोज लाइक दैट. क्लियर है? तो अगर यही आपको बुलेट्स, इनको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड बुलेट्स, जिनका कोई ऑर्डर नहीं होता, आपके पास कुछ सिम्बल्स होते हैं, सही है? और अगर आप इनको ही एक ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, यानी कि नंबर्स में, एबीसी में शो करना चाह रहे हो, रोमन में शो करना चाह रहे हो, सिम्बॉल एबीसी में शो करना चाह रहे हो, सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यू कैन पुट व्हाट यू वांट. क्लियर है? तो एज इट इज आपकी नीड होती है वेबसाइट्स के ऊपर कि अगर आप किसी आइटम्स को एक ऑर्डर लिस्ट में या अनऑर्डर लिस्ट में सेट करना चाह रहे हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं UL एंड OL. क्लियर? तो मैं यहाँ पे आके इनको डिफाइन करता हूँ. पहले हम पढ़ने वाले हैं आपके पास है कि अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है. अनऑर्डर लिस्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे आके क्लोज करते हैं. क्लियर? और इसी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम बनाते हैं लिस्ट आइटम, सही है? और इसी लिस्ट आइटम के अंदर आप अपनी जो है वैल्यूज देते हो. मैं सपोज कह देता हूँ आइटम वन. क्लियर? और इन्हीं को मैं कॉपी कर देता हूँ. लिस्ट आइटम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, सही है? और मैं इनके नाम रख देता हूँ लिस्ट आइटम 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6. क्लियर? अब ये देखें UL यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, और उसी के अंदर आप लिस्ट आइटम कोई भी ओपन करते हो और उसी को क्लोज करते हो. क्लियर है? तो ये कहलाती है आपके पास अनऑर्डर लिस्ट. तो मैं यहाँ से आके इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं. तो देखें आपके पास ये आइटम ऐसे शो हो जाएंगे इन डॉट्स के अंदर. क्लियर? अगर आप ये सिंबल डॉट से हटा के कुछ और रखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे टाइप के अंदर आए. UL के बाद UL एक टैग है, इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम टाइप कहते हैं. क्लियर? और टाइप के अंदर आप जाके चेंज कर सकते हो. मैंने रख दिया इसका स्क्वायर. क्लियर? बाय डिफॉल्ट आपके पास वो डिस्क आ जाता है, और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके चेंज भी कर सकते हो. एज इट इज़ मैं यहाँ से आके स्क्वायर से हटा के सर्किल भी कर सकता हूँ. सर्किल से ये होगा कि आपके पास एक्स स्मॉल सा सर्किल शो हो जाएगा ऐसे. क्लियर? और उसके बाद एक दूसरी भी टाइप होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपको जो पहले शो हो रहा था वही डिस्क कहलाता है. क्लियर है? तो ये थ्री टाइप होते हैं जो इसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं. अच्छा, अब एक दूसरा काम भी होता है कि अगर आपके पास किसी आइटम के सब आइटम होते हैं, सपोज आइटम टू के कुछ सब आइटम है, तो आप उनको भी डिफाइन कर सकते हो. उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास देखें ये UL आपकी यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हो गई, तो आप किसी लिस्ट आइटम के अंदर भी एक फिर से UL बना सकते हो. क्लियर है? ये मेरे पास लिस्ट आइटम है और ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ, इसी के अंदर यानी कि जहाँ पे क्लोज हो रहा है उससे पहले आपने एक UL ओपन कर देनी है, सही है? और इसके अंदर मैं फिर से आइटम, अच्छा इसी UL के अंदर फिर से हम LI डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि लिस्ट आइटम के अंदर फिर से हम एक UL बना रहे हैं इसी पर्पस के लिए, जैसे आपके पास सब आइटम होते हैं ना, आइटम फिर सब आइटम, सही है?
कोई चैप्टर होता है, फिर उसके टॉपिक होते हैं, तो हम उसको ऐसे शो कर सकते हैं। क्लियर? सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि सपोज ये है, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास हेडिंग फिर सब हेडिंग आ रही होती है ना, तो ऐसे ही। और सपोज आप ऐसा समझ लो, ठीक है, मैं यहाँ से आके इसको नन करता हूँ, यहाँ से आके हम इसको अप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि एक बड़ी हेडिंग है सेक्शन, उसके बाद हेडिंग टू है, हेडिंग थ्री है, हेडिंग फोर है, आपके पास सब हेडिंग कहलाती हैं, सही है, जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके एलआई के अंदर फिर से यूएल बनाऊंगा, और उसी यूएल के अंदर फिर से हम क्या बनाएंगे, एलआई बनाएंगे या लिस्ट आइटम बनाएंगे, और इसका मैंने नाम लिख दिया अली, और यहाँ पे आके एक दूसरा लिस्ट आइटम उसका नाम रख देते हैं मोहम्मद, सही है, इसको सेव कर देते हैं। देखें अच्छा यहाँ से ये एलआई ओपन हुई है और ये यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसी के अंदर हमने एक दूसरी यूएल बनाई है, उसके अंदर दो लिस्ट आइटम बनाया जो यहाँ पे क्लोज है, लेकिन मैंने अभी तक इस यूएल को क्लोज नहीं किया, तो हमें इस यूएल को भी क्लोज करना है। सेव करेंगे, इसको रन कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यूएल के अंदर फिर से एक यूएल बना के दिखाई है, देखें यहाँ पे ऐसे शो हो रही है, क्लियर है, साउंड में आ रहा है। और उसका टाइप आप अगर दूसरा डिफाइन करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके फिर से डिफाइन कर सकते हो, यानी कि हेडिंग के अंदर फिर सब हेडिंग, और इसी के अंदर भी आपको सब हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, क्लियर है। तो ये था आपके पास यूएल, और अब हम पढ़ने वाले हैं ओएल, सही है। मैं न्यू फाइल करता हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो आपने एज इट इज़ क्या करना है कि यहाँ पे आके हम लिखेंगे ओएल, और उसी ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और इसी के अंदर हम डिफाइन करते हैं लिस्ट आइटम्स, सही है। तो लिस्ट आइटम्स हम डिफाइन करेंगे, और लिस्ट आइटम्स के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं अपना डेटा। तो सपोज हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अली है लिस्ट आइटम, फिर दूसरा है अहमद है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सपोज आयशा है, और एक दूसरा लिस्ट आइटम है आपके पास सपोज, और एक दूसरा लिस्ट आइटम, ठीक है। अब मेरे पास ये कुछ लिस्ट आइटम है, और यहाँ से ओएल ओपन हुआ है, और यहाँ पे ओएल क्लोज हो रहा है, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं, क्लियर। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें, अब बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नंबरिंग आ रही है, तो अब आपके पास ये ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपकी ये नंबरिंग में या एबीसी में आपके पास रोमन में आ जाएगी, क्लियर। तो इस लिहाज से हम उसको ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। अब आपके पास इसका टाइप चेंज करना चाह रहे हो, नंबर से किसी और में रखना चाह रहे हो, तो यहाँ से आके आपने वो प्रोवाइड कर देना। अगर स्मॉल एबीसी चाहते हो तो स्मॉल एबीसी में आपका ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। वैसे ही अगर आप कैपिटल एबीसी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ से आके कैपिटल में भी अप्लाई कर सकते हो, क्लियर। और अगर आपने सपोज ये नाम है इसी के नाम के, यानी कि हम ऐसा कर देते हैं कि इसी नाम के अंदर फिर सब हेडिंग दे देते हैं, क्लियर है। तो अगर आपने जैसे हमने यूएल के अंदर फिर से एक यूएल बनाया था, एज इट इज़ हम ओएल के अंदर उसके लिस्ट आइटम के अंदर फिर से एक ओएल बना देंगे, सही है। तो एक ओएल बनाता हूँ मैं, इसी ओएल को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसी के अंदर हम बना देंगे लिस्ट आइटम्स, क्लियर। लिस्ट आइटम बनाते हैं एक, और इसी को मैं यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ, सपोज के अहमद का कुछ भी आप प्रोवाइड कर दो, के कोर्स से सपोज HTML है, और लिस्ट आइटम एक दूसरी CSS है, क्लियर है। सेव करते हैं इसको, रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें, क्लियर। मैंने अहमद वाले एलआई के अंदर एक दूसरी ओएल बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम सब हेडिंग्स बना रहे हैं, क्लियर। फिर HTML की आप फिर से सब हेडिंग बना सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप की नीड क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन पुट व्हाट यू वांट, क्लियर। और आप इनके टाइप फिर से चेंज कर सकते हो। अब ये आपके पास कैपिटल है, तो मैं यहाँ से आके रोमन में करना चाह रहा हूँ, तो कैपिटल आई लिखोगे तो बड़े वाले रोमन आ जाएंगे आपके पास, देखें यहाँ पे ऐसे। अगर आप स्मॉल आई लिखोगे तो आपके पास स्मॉल रोमन आ जाएंगे यहाँ पे, क्लियर। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS की आपके पास जो सीरीज़ है, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।